रमन जी 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 बोलिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। रमन जी देखिए, यहाँ पर बसपा के नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। सतीश चंद मिश्रा जी अभी अभी आए हैं और उत्साह का माहौल है बाहर। देखिए नारेबाजी हो रही है, हर तरफ जो है लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और उनका मानना है कि ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन से अधिकतर सीटें जीतेंगे ये लोग, और इसी उम्मीद में इन्होंने गठबंधन किया है कि सपा बसपा का जो वोट बैंक है वो निश्चित ही एक बड़ा रोल है उसका। देखिए नरेश उत्तम जी, ये आपको नरेश उत्तम जी आ गए हैं। उत्तम जी, नरेश उत्तम जी एक मिनट, देखिए ये आज के गठबंधन। नहीं, अभी आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने बात है। चलिए तो ये नरेश उत्तम जी इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं, आप देखिए। और जो सियासत है उत्तर प्रदेश में, वो सियासत गरमाई हुई है रमन जी। जी जी, तो ये बसपा के नेता लगातार देखिए यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ एक नेता जी हैं, आज इस गठबंधन को लेकर आप लोग कितना उत्साह है? हम लोग इतना उत्साह है कि इस बार लोकसभा में हम लोग 80 के 80 सीटों जीत के आएंगे। उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा देने का काम करती है और धोखा दी है जनता के साथ, केवल केवल छल का काम किया है। और पूरी तरह से माननीय बहन जी और अखिलेश जी मिलकर इस बार पूरे प्रदेश में 80 के 80 सीटों जीत कर हम आएंगे। कांग्रेस को आप लोग साथ नहीं आ रहे, तो इससे आप लोगों में कोई निराशा है? नहीं नहीं, हम लोग का उससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस अपना अपना चुनाव लड़ेगी, हम लोग उससे कोई फर्क, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पार्टी। रमन जी, जी आपने देखा बहुत उत्साह है, और यहाँ पर जो बीएसपी के नेता आ रहे हैं वो मान रहे हैं कि कांग्रेस भले अलग है लेकिन जो इनका वोट बैंक है, जो इनका गठबंधन हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत होगा और बीजेपी से निपटने में अकेले ये सक्षम होगा गठबंधन। तो इस गठबंधन के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो इतना आश्वस्त हैं कि यूपी में सपा और बसपा का गठजोड़ पहले भी देखिए रंग दिखाया है और इस बार फिर करीब 24 साल बाद, आपको मैं बताऊं कि करीब 24 साल बाद ये लोग साथ आए हैं। और झंडे और बैनर आपने देखा होगा कि किस तरह से मायावती और साइकिल के झंडे और बैनर यहां पर लहराए जा रहे हैं, तो ये उत्साह बताता है, प्रदर्शित करता है कि बीजेपी से कड़ी टक्कर होने वाली है। और जो 73 सीटें बीजेपी ने जीती थी, रमन जी इस बात को तो हर कोई जानता है, देखिए कि जो 4 उपचुनाव हुए उसमें से 3 लोकसभा में तीनों भी बीजेपी हार गई और एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ वो भी बीजेपी हार गई। तो जब गठबंधन औपचारिक नहीं था, ऐलान नहीं था, एक मंच से अपील नहीं की गई, प्रचार नहीं किया गया एक साथ, तब इन लोगों ने गवर्नमेंट को में रहते उपचुनाव सरकार को हराए हैं बीजेपी को, तो इनको लगता है कि अब जब खुलकर साथ आ गए, मंच शेयरिंग होगी, सीट शेयरिंग होगी, तो उससे और ज़्यादा बूम आएगा और लोकसभा में एक बहुत बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश से बनेगा, क्योंकि बीजेपी का सारा दारोमदार यूपी से है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमन जी, बताएं आपको, हेमंत तिवारी जी भी आ गए हैं। तो हेमंत जी, आज का ये जो घटनाक्रम है यूपी की राजनीति में, क्या ये नया रंग लाएगा? एक बड़ी खास बात बता दूं, आज का घटनाक्रम जो हो रहा है और जो नतीजा भी सामने आने वाला है, भारत समाचार इस देश का एकमात्र चैनल है, ब्रजेश मिश्रा की डिबेट में यह बात 6 महीने पहले 3 बार 4 बार 5 बार आ चुकी है कि सपा और बसपा का गठबंधन 100% तय है और इस गठबंधन में कांग्रेस नहीं शामिल है। ये बहुत स्पष्ट रूप से ब्रजेश मिश्रा के डिबेट जो रात को 8 बजे आप देखते हैं उस पर मैं बोल चुका हूं, ब्रजेश मिश्रा इसे सहमत हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, एक यूपी की पॉलिटिक्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है और शायद नरेंद्र मोदी की राह जो है दोबारा आने की, भारतीय जनता पार्टी की जो राह है 2019 में वापसी की, उसका सबसे बड़ा रोड़ा उत्तर प्रदेश में यही गठबंधन बनने जा रहा है। नेचुरली स्वाभाविक रूप से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए ये जो समीकरण बन रहे हैं, क्या रिजल्ट होंगे, ये जो राजनीतिक जानकार हैं, जो लोग इस बात को रखते हैं, नज़दीक से देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उनके विचार हैं। हमारे साथ सांसद जी, हमारे साथ देखिए नागर साहब हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सुरेंद्र नागर जी आप देखिए आ गए हैं, ये भी कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर में ये लोग शामिल होंगे। और यहाँ पर सपा और बसपा के नेताओं का लगातार रमन जी आना जारी है जी। तो यूपी की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रमन जी, और आप जानकार जिस तरह से बता रहे हैं, जो राजनीति के जानकार हैं वो साफ है कि यूपी में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती और मुश्किलें आने वाली हैं, और ये उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति तय करता रहा है अब तक,
ये फिर एक बार तय करेगा और इस देश में बताएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल ठीक बात है वीरेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अंदर का माहौल क्या है ये जानने के लिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या माहौल है इसलिए कि बाहर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है? देखिए, जो माहौल बाहर है वही अंदर भी, आप एक बार आप अंदर देखिए कि ये हॉल जो है ये पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो चाहे पत्रकार हों या फिर जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालांकि बहुत सीमित रखा गया है दोनों ही पार्टियों के लोगों को। और देखिए, नरेश उत्तम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा संजय सेठ भी दिख रहे हैं, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से वो पहुँचे हुए हैं। बीएसपी के जो नेता हैं वो एक साइड में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, इस वक्त पहुँच चुके हैं और बसपा के नेताओं के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो जो मंच के ठीक आगे की जगह है, एक साइड बीएसपी को दी गई है और एक साइड समाजवादी पार्टी के लोगों को दी गई है। लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कोर टीम है बीएसपी की और एसपी की वो यहाँ पर पहुँच रही है। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर फिलहाल दोनों ही दलों में दिख रहा है। अमूमन ये तस्वीरें दिखती नहीं थी इससे पहले, दोनों में दुआ सलाम होती नहीं थी, लेकिन जब ये अलायंस की बात हुई है उसके बाद से डायलॉग बढ़ा है, बातचीत बढ़ी है और दोनों ही दलों के जो कोर टीम है, शीर्ष नेतृत्व है, वो तो मिल ही रहा है। एक्सचेंज हो रहा है, डायलॉग एक्सचेंज किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। सतीश चंद्र मिश्रा आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, इसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं संजय सेठ समाजवादी पार्टी के जो और भी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। प्रवक्ताओं की टीम भी है, तमाम MLCs भी हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अंदर भी माहौल गर्म है, इंतज़ार बस किया जा रहा है 12 बजे का, जब अखिलेश यादव, मायावती दोनों यहाँ पर पहुँचेंगे, मंच पर अपनी बात रखेंगे, उनसे सवाल जवाब होगा। तो तैयारियाँ जो की जा रही थी लगभग अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच रही है, अंतिम चरण में है जी। और एक गर्म जोशी का माहौल जो बाहर, जो जैसा वीरेन जी ने दिखाया है, ठीक वैसा ही अंदर हॉल में भी दिख रहा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से वीरेन सिंह का रुख करते हैं। वीरेन जी, दो बातें आपसे पूछूंगा, एक तो अभी फिलहाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग आए हैं और दूसरी एक बहुत अहम बात आपसे जानना चाहूंगा कि इस अलायंस का अगर कांग्रेस हिस्सा रहती तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। तो क्या कांग्रेस की यह स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो इंडिपेंडेंटली लड़े, उसमें वो ज्यादा सीटें जीत के आएगी और पोस्ट पोल एक अलायंस बने बीजेपी के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2004 में भी एक बार ऐसी स्थिति आई थी, कांग्रेस बीजेपी 9 सीट जीती और कांग्रेस ने 21 सीट जीती और कांग्रेस के लोकसभा में 71 सांसद दिखते थे। क्यों? क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव उनको समर्थन कर रहे थे, तो 80 में से 71 कांग्रेस की तरफ थे, 9 विपक्ष में थे। तो ऐसी पोस्ट पोल अलायंस बनते रहे हैं 2004 में, 2009 में। तो सपा और बसपा ने हमेशा केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दिया है। और रमन जी, जब अमेठी और रायबरेली की बात आती है तो वहाँ पर इन्होंने हमेशा वॉक ओवर दिया। तो बहुत साफ है कि कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रहे हैं जो और विपक्षी दल हैं बीजेपी की तुलना में, तो निश्चित ही ये बड़ा अंतर दिखाता है। उमा शंकर जी, ये देखिए बीएसपी के विधायक उमा शंकर जी हैं हमारे, रमन जी आपको बताऊं जी कि उमा शंकर जी कई बार विधायक रहे हैं और बीएसपी के बहुत भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं, मायावती के करीबी। उमा शंकर जी, आज को जो ये स्थिति, इसको लेकर क्या माहौल है, क्या देखते हैं? देखिए, क्योंकि गठबंधन पे इतना हाय तोबा मची हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हाय तोबा जो लोग मचा रहे हैं उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो बिना गठबंधन का कोई चुनाव लड़ते हैं। भाई, सपा बसपा का अगर गठबंधन हो ही रहा है तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? भाई, हम तो वो आदमी उंगली उठाता जो कभी गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ता। आप खुद गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं और आप सपा बसपा के गठबंधन को विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो इससे आम जनता क्या समझ रही है? अच्छा, आपका गठबंधन कितना मजबूत है, सफाया कर देंगे? देखिए, अगर मैंने डर नहीं होता, अगर सफाया का डर नहीं होता तो फिर इतनी बौखलाहट तो नहीं होनी चाहिए। भाई, तमाम राजनीतिक दल मिलते हैं, लड़ते हैं, कोई नहीं। पिछली बार 2017 में भी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ी थी, विभिन्न दलों के साथ। 2014 में भी वही रहा,
तो ऐसा तो कुछ है नहीं, गठबंधन तो होता रहता आम बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घबराहट तो दिख रही है। इससे तो मैंने अगर इनका कुछ परसेंटेज बढ़ने भी वाला था तो वो भी मान लीजिए अब इनकी बौखलाहट ही इनको ले ली, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोप विभिन्न तरहों के आरोप लगा रहे हैं तो सफाया तो वो लोग मान के चल रहे हैं कि सफाया हो जाना है। अच्छा, कितना उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं में और पब्लिक में? देखिए, पब्लिक तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये हो जाएगा। देखिए, चारों तरफ जो है लोगों को पहले लग रहा है मेंटली रूप से अभी कंफ्यूजन बना हुआ था, लेकिन जब से यह गठबंधन, जब से प्रेस की बात आई कि ज्वाइंट प्रेस हो रहा है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही है कि अब हमारा गठबंधन मैंने एकदम फाइनल स्टेज में जा रहा है। तो ये उमाशंकर जी हैं, बीएसपी के विधायक हैं, बहुत प्रसन्न हैं और कार्यकर्ताओं के उत्साह का भी रमन जी इन्होंने जिक्र किया है। और बाहर मैं आपको दिखा ही रहा हूँ लगातार कि देखिए किस तरह से भीड़ है, झंडे सपा और बसपा के लहराए जा रहे हैं। तो राजनीति में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सपा बसपा देखिए जानी दुश्मन थे एक दूसरे के रमन जी, 24 साल बाद 1995 के बाद ये स्थिति फिर आई है कि अब एक मंच पर आ गए हैं दोनों नेता, और इसमें अखिलेश यादव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बिल्कुल, पुरानी बातों को भुलाकर वो खुद मायावती के यहाँ गए थे मिले, तो निश्चित ही राजनीति में हमेशा परिवर्तन दिखता रहा है। और ये परिवर्तन जो इस बार हुआ है ये बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी 73 सीटें जीती थी उसके गठबंधन ने। बिल्कुल, बीजेपी को वो पोजीशन दोबारा हासिल होगी कि नहीं, उनकी केंद्र की सरकार इसी स्थिति पर निर्भर करती है कि वो सत्ता में आ पाएंगे कि नहीं, ये सारी इक्वेशंस उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन ने उनके गड़बड़ाए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आप हमारे साथ बने रहिए ताज होटल के भीतर, क्या एम्बियंस है इसके लिए सीधा रुख करते हैं अभिषेक पांडे का। अभिषेक, ये बताइए हमें कि आरएलडी का कोई नुमाइंदा वहां नजर आया है कि नहीं, इसलिए कि आरएलडी की तरफ से इनविटेशन नहीं है अजीत सिंह को। दूसरी बात बहुत अहम है जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले लाइव के दौरान ही बताया कि शायद औपचारिक अनाउंसमेंट, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है सीट शेयरिंग को लेके, वो आज नहीं होगा। तो आज एग्जैक्टली होगा क्या? सिर्फ ये अनाउंसमेंट होगा कि हमारा गठबंधन रहेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और साथ ही साथ आरएलडी, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये बाद में बताया जाएगा। क्या एग्जैक्टली होगा आज? देखिए, आज सिर्फ इस गठबंधन का ऐलान किया जाएगा, इसका विश्लेषण किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे गठबंधन काम करेगा। अब ये अभी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सीटों को लेकर के और जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे बात होनी है, आरएलडी से बात होनी है, तो उस पर शायद ही आज यहाँ पर औपचारिक रूप से कोई अनाउंसमेंट दोनों ही दलों की तरफ से किया जाए। लेकिन दूसरी बात कि आरएलडी की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आया है और इसीलिए दो ही कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि जयंत चौधरी से पहले अखिलेश यादव से दो दो बार मिल चुके हैं, वो खुद बार बार कह रहे हैं कि वो गठबंधन में हैं, बस मामला सीटों पर अटका हुआ है, तय नहीं हो पा रही है। छोटे दलों का भी ख्याल रखना ये बहुत खास है, क्योंकि जो चैपीस पार्टी हो, कृष्णा पटेल गुट का अपना दल हो, जो छोटे छोटी पार्टियां हैं जिनका अपना क्षेत्रीय छत्रप है, उनको भी साधना है, ये भी एक अहम होगा। लेकिन कांग्रेस तो सिरे से खारिज है, यहाँ पर कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो बयान लगातार आए हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, और कांग्रेस खुद भी जब तक सम्मानजनक ऑफर उनको नहीं मिलेगा, उनको पहल में नहीं बुलाया जाएगा, तब तक वो शामिल भी नहीं रहेंगे, और ऐसा लगने लगा है अब जाके इस स्टेज पे कि कांग्रेस यहाँ पर नहीं रहेगी। दूसरी बात कि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी यहाँ मैं देख रहा था कि जो जो जो